और इनका प्रसाद पूजा आशीर्वाद ले लीजिए। और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी का आज दूसरा दिन है। और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और आज उठने में थोड़ा लेट हो गया, 5 बजे उठने वाले थे, लेकिन ऐसे ही क्या पता कैसे बहुत तेज़ नींद आ गई और हम लोग 7 बजे उठे हैं। तो बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सारा काम हो गया है, नहा लिए हम लोग और चल के अब पूजा करते हैं गणपति जी का। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, चलिए पूजा करते हैं। हो गया है।
है और अब चल के चाय वाय पी लेते हैं। मैं सोच रही हूँ पराठा बना लेती हूँ, पराठा बन गया है। आप लोग देख सकते हैं ये पराठा और ये है चाय। हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। बता दूं आपको कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और इधर देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप सबको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश है। इधर पहाड़ तो दिख नहीं रहा है, एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है। इधर बारिश हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लिया जाए, खाना बना के फिर आप सबसे मिलेंगे। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। जो हो गया है लंच का टाइम, तो चलो चलते हैं। अभी लंच नहीं बनाई हूँ, चल के बना लेते हैं लंच। और लंच में आज मैं बनाऊँगी वेज पुलाव और धनिया पत्ती की चटनी और दाल रहेगा साथ में। तो चलो चल के बना लेते हैं। आ गई हूँ मैं किचन में, सॉरी मोबाइल हिल गया। किचन में आ गई हूँ मैं और ये है, मैं सब काट के रख दी हूँ, पानी भिगो के रख दी हूँ। ये फूल गोभी है और आलू है, ये सब काट के रख दिए हैं। और धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती की चटनी भी पीस कर रख दी है। और बस ये अभी चावल निकाल दी हूँ, चावल भी, इस चावल में मैं पानी डाल दी हूँ और प्याज भी काट के रख दिए हैं, मतलब छील के रखी हूँ, इसको काट लेती हूँ। और अब पुलाव बना के फिर आप सबसे मिलते हैं। गाइस प्याज कट गया है, अब बना के फिर मिलेंगे। प्याज बहुत लग रहा है, दो ही प्याज काट दिए हो तो ज्यादा लग रहा है, तो बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ। मेरा पुलाव बन के रेडी है और अभी मैं इसको खा लेती हूँ। ये चटनी, ये पुलाव और दोनों रेडी है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पुलाव बनके रेडी है और ये चटनी मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसके बाद आप सबसे बात करेंगे, खा लेती हूँ। तो गाइस हमारे घर के पास गणपति मूर्ति रखी हुई थी तो हम लोग देखने के लिए आगे सोचे कि पास में है, थोड़ा देर दर्शन भी कर लिया जाए, 3 दिन ही रहेंगे गणपति जी, सॉरी। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कर लो। गणपति जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम फ्लैग थीम पे रसम रखा हुआ है, देखिए यहाँ की तो पंडाल भी और गणपति जी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। गणपति देखने के लिए गए थे और आ गए हैं, पास में ही गए थे और घर आने के बाद और भी अच्छे से हम लोग अपने गणपति जी को डेकोरेट करने लगे। तो आप सबको हम लोग दिखाते हैं अपने गणपति बप्पा का डेकोरेशन। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे गणपति बप्पा को बोल दीजिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले गुड नाइट।